मानिए मुझे कोई शौक नहीं है इलेक्शन लड़ने का और ना ही किसी डॉक्टर ने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है अपने हुकूक के, जनता के हुकूक के लिए। वो जो समझते हैं कि एक डिब्बा मिट्टी का तेल देकर या एक मुट्ठी अनाज छोली में डाल देने से जनता बिक जाएगी, वो भूल कर रहे। जनता बिकेगी नहीं, वो अपनी भूख नहीं बेचेगी, वो इतना सस्ता सौदा नहीं करेगी। जनता के हुकूक बिकेंगे नहीं, जनता के हुकूक नीलाम नहीं होंगे। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं और ना ही कोई शिकायत है कि आरती देवी ने अपने चुनाव कार्यालय में लंगर क्यों खोल रखे, क्यों गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। मैं तो खुश हूं कि मेरे मुफलिस शहर निवासियों को एक वक्त की रोटी तो मिली। मुझे उनकी अमीरी से कोई शिकायत नहीं ना अपनी गरीबी पर शर्मिंदगी है। मैं तो सिर्फ इतना पूछता हूँ कि सिलेक्शन से पहले वो कहाँ थी, ये काले दामों से खरीदी हुई अनाज की बोरियां कौन से गोदामों में छुपी पड़ी थी कि जो पैसे देकर मुट्ठी भर अनाज भी नहीं मिलता था। अब जैसे इलेक्शन आए मिलने लगा सब कुछ। अगर मुझे यकीन होता कि इलेक्शन के बाद भी ये सब कुछ इसी तरह मिलेगा मेरे शहर निवासियों को, तो भाइयों मैं पहला आदमी होता उन्हें अपना वोट देने वाला। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं ये सब ढकोसला है, दिखावा है, बहाना है आप लोगों से वोट लेने का। भाइयों ये पंछी किसी के नहीं होते, ये पंछी किसी के नहीं होंगे। उड़ जाएंगे आपका दाना पानी और वोट लेकर और जाकर बैठेंगे वहीं किसी राजधानी की चाक पर और आपको हमेशा हमेशा के लिए भूखा और प्यासा छोड़ जाएंगे।
अपोजिशन ने जला दिए हमारे ऑफिसेस? जी हाँ, चंद्र सेन ने जलाए हैं, शरारत उसी की है। वो कैसे? अजी उनके सारे वर्कर खाते हमारे यहाँ थे, काम उनका करते थे। दरअसल झगड़ा वहीं से शुरू हुआ, हमने उन्हें घुसने नहीं दिया, बात चंद्र सेन तक पहुंची और उसने उठाकर धुआंधार लेक्चर दे दिया। और स्पीच तो आप जानती हैं, कमाल करता है वो। जानते हैं। मेरा मतलब है, बोलती तो आप भी कमाल हैं, लेकिन आप यहाँ बैठी हैं ना, अगर वहां होती तो फिर हम देखते कैसे आवाज निकलती चंद्र सेन की। मैं तो चंद्र सेन सुन रही हूँ सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उनके पास पैसा बहुत है, पूरी बिजनेस कम्युनिटी उनके पीछे है। यहाँ पैसा ना हो खर्च करने के लिए, वहाँ अकल चाहिए खर्च करने के लिए। चौधरी साहब, अग्रवाल फैमिली का भोपाल में रसूख बहुत ज्यादा है और चंद्र सेन के पुराने मुरीद हैं, बड़े मालिक हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, लाखों का धंधा है और जाहिर है कि चंद्र सेन को वहां से पैसा मिलता है। लल्लू लाल जी ने खबर भेजी थी कि अग्रवाल भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। जी, पहले दो ही संभालने मुश्किल है, एक तरफ चंद्र सेन और दूसरी तरफ गुलशेर खान। बिजनेस कम्युनिटी तो सारी चंद्र सेन की तरफ चली गई है और जो मुसलमान वोट हैं गुलशेर खान की तरफ। एक मजदूरों की वोटें मिलने की उम्मीद है, वो भी यहाँ से निकल जाएगी। क्यों? उनका अपना मिल मालिक इलेक्शन में खड़ा होगा तो वोट उसे देंगे, और किसे देंगे। क्या हो गया है आपके अकेल को? लोग क्या जानते नहीं, समझते नहीं? कोई न्यूज़पेपर नहीं निकालते वहाँ? एक ही इम्पोर्टेंट पेपर है वहाँ का, वतन, और कोई ज्ञानी एडिटर है उसका। देखिए, जब तक चुनाव चल रहे हैं हमारी मुखालिफ पार्टी की फ्रंट पेज पर न्यूज बांट दीजिए। तो आप क्या चाहते हैं, मैं खबर ना छापूं? नहीं 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 ज्ञानी जी, आप गलत समझ रहे हैं। छापिए, जरूर छापिए, लेकिन जिस खबर पर आप भी यकीन से नहीं कह सकते उसे फ्रंट पेज पर क्यों छापते हैं? थर्ड पेज पर, फोर्थ पेज पर, या कहीं भी अंदर डाल दीजिए। और क्या सर, ये डिजाइन है नए पोस्टर का, ये हैंडबिल और ये ऑर्डर है वतन प्रेस के लिए। गुड, तुम चलो। ये लीजिए ज्ञानी जी, जिस काम के लिए आपको बुलाया था वो यह है। ये पोस्टर हैं, 50,000 छपेंगे, ये हैंडबिल्स 1,00,000, ये आपका ऑर्डर और ये एडवांस चेक। आइंदा हमारा सारा काम आप ही के प्रेस में होगा, ठीक है ना? ये रिश्वत तो नहीं है ना? क्या बात कर रहे हैं ज्ञानी जी, ये तो आपस का लेन देन है, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप भी तो कुछ कीजिए हमारे लिए। अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा। इलेक्शन से पहले आप हमारा ख्याल रखिए, इलेक्शन के बाद हम आपका ख्याल रखेंगे। ये रम छोड़कर ब्रांडी शुरू कीजिए ललू लाल जी, ये बाजी तो चंद्र सेन जीत गया। अरे छोड़िए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो चंद्र सेन को नाको चने चबवा देता। क्यों, हाथ क्यों बंधे हैं? ईंट का जवाब पत्थर से देता, मगर क्या करूं, आरती देवी महात्मा गांधी की चेली हैं, किसी पर उंगली तक नहीं उठा सकते, हाथ क्या उठाएंगे। ये देखिए लल्लूलाल जी, वतन पेपर में चंद्र सेन के इश्तेहार भी छपने लगे, सारे प्रेस पे छा रहा है वो। भैया, आप प्रेस की बात कर रहे हैं, वो तो कैंसर की तरह सारे इलेक्शन पर छा रहा है। एक तरफ तो अग्रवाल का पैसा है उसके पीछे और दूसरी तरफ सारी बिजनेस कम्युनिटी भी उनके साथ है, और उधर गुलशेर खान मुसलमानों के वोट समेट कर बैठ गया है, हम क्या करें। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला लीजिए, शहर में रहेंगी, कुछ मीटिंग्स अटेंड करेंगी और हवा बन जाएगी। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनके उपदेश कौन सुनेगा कि ये मत करो वो मत करो, सीधे और सच्चाई के रास्ते पर चलो। भैया, सीधी उंगली घी नहीं निकलता, तो वो इलेक्शन कैसे जीतेगी। लेकिन ये सब उन्हें बताने की जरूरत क्या, कुछ दिन यहाँ रहेंगी सब ठीक हो जाएगा। मगर उनके रहने का इंतजाम? हाँ, मैं बताऊं, कार्यालय तो जल गए, क्यों ना किसी होटल में इंतजाम किया जाए। भैया, मैनेजर साहब कहाँ हैं? जी, इस वक्त वो बाग में होंगे। घड़ी देखकर हवाखोरी करते हैं। हवाखोरी नहीं, वो बाग में काम करा रहे हैं। ओ, तो जरा उन्हें बुलाकर लाइए। आपको कोई कमरा वमरा चाहिए? कमरा नहीं भैया, कमरे चाहिए, आप जरा मैनेजर साहब को तो बुलाइए। जी, वो बाहर बाग में होंगे, आप वहीं चले जाइए।
उनका नाम क्या है? जी जे के साथ क्या कर बुलाते हैं? मैनेजर ही है ना? मैनेजर भी है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी। भैया आप यहाँ होटल के मैनेजर? जी हाँ, फरमाइए। जरा हाथ वाथ धो लीजिए फिर बात करते हैं। फरमाइए तो सही, चाहिए क्या आपको? हाँ जी, होटल में जगह चाहिए, मगर जगह जरा ज्यादा चाहिए, 100 रूम खाली करा दीजिए। कुल कितने कमरे चाहिए आप? अरे भैया आप आमों की बात कीजिए, पेड़ क्यों गिनते हैं आप? देखिए लीडरों के लिए जितने भी कमरे हों जरा कम होते हैं। आप तो जानते ही हैं, लीडर जब बाहर निकलते हैं तो अपना दफ्तर साथ लेकर निकलते हैं, खुद वो ऊपर रहेंगे नीचे दफ्तर खुल जाएगा। कब से चाहिए? आज ही से, कल सारा कुनबा यहाँ पहुँच रहा है। वैसे आ कौन रहा है? आरती देवी। आरती देवी? जी हाँ। वो यहाँ रहेंगे? जनता की लीडर है, वही रहेंगी जहाँ जनार्दन रहेगा। आपको कोई कष्ट है क्या? जी नहीं, मुझे क्या कष्ट होगा? और फिर आपको तो फायदा ही फायदा है, होटल की ग्लैमर पड़ेगी। ये आरती देवी वही है ना जिनका निशान पंछी है? भैया और किसका दम है जो इतना ऊंचा उठ सके आसमान पर? ज्यादा नजर आए हैं, दे शुड बी मोर इन हिंदी। ये क्या है, होटल में बेड्स नहीं है? यहाँ से पलंग वगैरह मैंने हटवाया। क्यों? वो इसलिए कि आपके लिए एक पर्सनल कमरा तैयार है। चलिए। चंदन की अगरबत्तियां, ये किसने लगवाई? जी मैंने नहीं लगवाई, होटल वालों की होशियारी मालूम होती। अच्छे हैं, मुझे तो पसंद भी है। सुराही कोई अच्छी तरह जानता है मेरी पसंद को। क्लास की जगह सुराही रखवाई है, जो घर में भी नसीब नहीं होती अब तो। मैं चलूं? आप आराम कीजिए, आपके प्रोग्राम के बारे में गुरसरों से तय कर लूंगा। अरे गुरसरन। क्या है लल्लू महाराज? भैया हाँ। देवी जी को समझाओ, अगर यही तौर रहे तो लड़ लिए इलेक्शन। क्या हुआ? अरे होना क्या है, इलेक्शन जीतने के लिए कांटों के बिस्तर पर लौटना पड़ता है, मगर देवी जी हैं कि जमीन पर बैठने को तैयार नहीं। जरा सोचो, दिन भर लोग आएंगे, बैरे आएंगे, बाहर जाकर बात करेंगे, क्या क्या सादा जिंदगी है, सूट पहनती हैं, जमीन पर सोती हैं। भैया यहीं से तो हवा बनती है उम्मीदवार की। वो है कहाँ इस वक्त? पलंग देख रही हैं। उनसे कह दो कि जो मैं कहता हूँ वही ठीक है। ठीक है या गलत है ये उन्हें मत बतलाइए, वो हमसे ज्यादा समझती है। मैंने एक बार ट्रेन से चलने के लिए कहा था तो कहने लगी मैं प्लेन से जाऊंगी, मैं अपना पैसा खर्च करती हूँ, मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। अमीर बाप की बेटी है, बाप का पैसा ये खर्च नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? ठीक है करें, मेरा क्या जाता है।
सर सर सॉरी अमृत सर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। कल रात को आप काफी देर तक काम करते रहे। आप कॉटेज में आराम कीजिए, कुछ काम पड़ा तो मैं आपसे आकर मिल लूंगा। ठीक है ठीक है, कहो क्या काम है। सर वो लल्लू बाबू आए हैं साउथ विंग से, वो आरती देवी के इलेक्शन के पोस्टर्स लगवाना चाहते हैं शो विंडो पर। वेरी गुड अगेन, उन्हें मना कर दो, नो पॉलिटिकल कमेंट ऑन द होटल। उन्हें कहो जो भी प्रोपेगेंडा करना है होटल से बाहर जाकर करें। मे आई कम इन सर? ले आए अमृत, ये फूल तुम खुद ही ले जाओ उनके कमरे में। किनके सर? वो है ना आरती देवी, दिस इज फॉर हर। यस सर। लाना सर। फिर इस पर साइन कर दीजिए, दैट विल मेक इट मोर पर्सनल। नहीं अमृत, डोंट से इट्स फ्रॉम द मैनेजर, जस्ट से इट्स फ्रॉम होटल आशियाना। ओके सर। किसने भेजा? जी वो होटल की तरफ से। यहाँ कोई खूब जानता है मेरे पैसे को। प्लीज कीप इट देयर। खीर बनाई थी आज। आज अचानक खीर का कैसे ख्याल आ गया? मेम साहब को देखा तो ख्याल आ गया, उन्हें बहुत पसंद थी ना। मेम साहब? मेरा मतलब है बहुरानी। बहुरानी? आज तुम्हें हुआ क्या है बिंदा? तुम तो उन्हें बिटिया कहकर बुलाते थे। अब इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ टूट गया। सालों से रिश्ते टूट जाते हैं क्या? इस घर से तो टूट ही गया ना रिश्ता। पता नहीं कहां से टूटा है और कहां से जुड़ा हुआ है। अब तक मिले हो उनसे? नहीं। क्यों? आपसे पूछा भी नहीं था। और इसमें पूछना क्या? और फिर तुम्हारे हक तो मुझसे बहुत ज्यादा है। बचपन में खिलाया है उन्हें, अपने हाथों में बड़ा किया है, और फिर मुझसे कुछ। आज आज बरसों बाद देखा अपनी बिटिया को, दूर से देखा पर आवाज देने को जी किया, लेकिन बहुत बड़ी हो गई है ना। जिनके लिए बनाई है ये खीर उन्हें तो खिला दो। वहां तो बहुत लोग होंगे, हमें तो कोई जाने भी नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? एक काम करो, बाहर गार्डन में डिनर चल रहा है, होटल के किसी बैरे से कह देना वो ले जाएगा। अगर वो बड़े लोगों में घिरी हो या किसी से बातें कर रही हो तो बीच में मत जाना, किसी से कहकर भिजा दो। माफ कीजिएगा भैया, इसमें जरा गुर्दे की दवा ले। गुर्दे की दवा? अरे हाँ भैया, सामने जा और इसमें रम डाल कर ले आ। समझ गया समझ गया ना, जा जा जा। आरती देवी कहाँ बैठी हैं? वो तो अभी आई नहीं, ऊपर है अपने कमरे में। जी हाँ, कुछ बड़े बड़े लोग आए हैं, उनके साथ बैठी बातें कर रही हैं। पोस्टर छप रहे?
हाँ गाड़ी का भी इंतजाम हो चुका है। अच्छा नहीं नहीं बेटी जी तीरा कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो यही रह रहा हूँ मालिक के पास। मालिक यहाँ मैनेजर लगे हुए ना होटल में, 4 साल हो गए। इसीलिए मैं सुबह से हैरान थी यहाँ कौन है जो इतने करीब से मुझे जानता है। मालिक मिले नहीं? वो यही है। हाँ बंगले पर है, यही इसके पीछे बंगला मिला हुआ होटल में। खाना खिला कर आ रहा हूँ। ये खीर बनाई थी तुम्हारे लिए, वही लेकर आ गया। सुनो जी, ये मेरे कमरे में रखवा देना। अच्छा जी काका, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ काका। आना मुझसे मिलने के लिए, मैं कुछ दिन यहाँ हूँ। आऊंगा। एक दूर से आती है
पास आके पलटती है, एक दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी, रुकती है ना चलती है। इस मोड़ से जाते हैं, नहीं थे, सिर्फ दुबले हो गए हो। कुछ दुबला बुड्ढा हो गया हूं, सफेदी आगे बालों में। बहुत अच्छा लगता होगा तुम्हें, तुम तो उन दिनों में भी झुटमुट सफेदी लगा लिया करते थे। हाँ। तुम्हें याद है सब? तुम भी तो नहीं भूले। आज कमरे में सुराही देख के ख्याल आया, लेकिन ये नहीं सोचा कि तुम भी यहां पर हो। बिंद आया तो अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, मुझे कब से रख ली? कुछ साल पहले तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी ना, इसीलिए रख ली। नहीं, इतना साफ कौन रखता है घर को? बिंदा। मुन्नू नहीं है? शिमला में, हॉस्टल में रहती है। बाहर चले बाग में? हाँ। कुछ पियोगे? चाय, कॉफी? कॉफी, लेकिन रात के वक्त में कॉफी परेशान करती है ना? अब नहीं करते। बिंदा आया साहब।
अरे बिटिया जी आ गई। कॉफी पिलाओगे काका? हाँ क्यों नहीं, लेकिन रात के वक्त साहब के लिए अच्छी नहीं है ना। मैं जानती थी काका, अदरक वाली चाय बनाओ जो हमेशा पिलाया करते थे। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। देखा साहब, बिटिया जी अभी तक कुछ भी नहीं भूली, मैं अभी लाया। आज बिंदा बहुत खुश है। कितने ढेर सारे बरस बीत गए बीच में। कितने सालों के बाद मिली हूं तुम्हें। शायद 9 साल हो गए ना। एक बार घर लौटी थी, तुम जा चुकी थी, मैंने ही देर कर दी थी, होटल भी गई थी, वो भी तुम छोड़ गए थे, जहां असिस्टेंट मैनेजर थे। तुम्हारे बारे में तो मैं पढ़ता ही रहता हूं। बीच में सुना था तुम्हारा टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, हमारी जिंदगी तो खुली किताब है, सब देख लेते हैं, जान लेते हैं, अपना बिल्कुल अपना कुछ नहीं रह जाता इसमें। क्या खुश नहीं हुए जिंदगी से? काफी कामयाब हो आज, बड़ा लंबा रास्ता तय कर गई हो। तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं सुन सकी। मैं बहुत पीछे रह गया हूं। 2 मई बनाती हूँ, अब लिखते नहीं? बहुत कम, कभी कभी। गर्म है? हाँ गर्म है। आउच! चीनी ठीक है? ये क्या तरीका है जगाने का? जगाने का नहीं, चीनी देखने का। 2 बार तो पहले जगा चुकी हूँ, और मैं क्या करूँ? कई दफा कहा है, सॉरी सॉरी। जगाने के लिए ये रेडियो ऑन किया करो। वो फिल्मों में होता है, घर में नहीं। ये क्या हुआ? देखें कहाँ? ये किधर? देखें। ओ, देखें। ओ, नहीं नहीं, आओ। क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं। चीनी ठीक है? ठीक है। याद है सुबह जगाकर जब मैं चीनी पूछा करती थी? याद है। और एक बार टेबल उलट गया था, पैर पे गिराया था, खुद ही मेरा नाम लगा दिया। हाँ हाँ, मुझे तो शौक है अपने पैरों पर उबलता हुआ पानी डालने का। तो क्या हुआ, पानी ही तो है। तो फिर जाओ जलते हुए कोयले ले आओ और डालो मेरे पैरों पर, किसी दिन तुम पे डाल के दिखाऊंगा, तड़का ना लग जाए तो क्या ना। खुद ही तो कहते थे इनकलाबी आग पर भी चल सकते हैं, अब क्या हुआ? बिना कारण कोई आग में नहीं कूदता। 12 साल का था जब अपनी पार्टी के लिए गोली खाई थी। तो आप क्यों पार्टी के खिलाफ हो? उस वक्त इनकलाबी पार्टी थी, इनकलाब के लिए लड़ते थे। अभी तो उसी के लिए फाइट कर रहे हैं। हड़ताल, सत्याग्रह, भला इस तरह इनकलाब आते हैं? अब तक तो उसी से आए हैं। अब देखो तुम खामोखा मेरे साथ बहस शुरू मत कर दो। इसलिए कि तुमने पॉलिटिक्स में वो MA BA पता नहीं क्या कर लिया। छोड़ो मेरे पर, छोड़ो। बड़ी देर लगाई अपने पैर खींचने में। ये देखा, ये पॉलिटिक्स।
इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, इसलिए मुझे इससे नफरत है। जहां ईमानदारी ना चले वहां मेरे लिए कुछ नहीं चलता। अब आप जल्दी तैयार हो जाइए, मुझे जाना है। अब आज कहां जाना है? मायके। फिर कोई काउंसिल का काम आ पड़ा? थोड़ा सा पिताजी का काम है, खत्म करके आ जाओ। एक बेटा हो जाए तुम्हारा, फिर देखता हूं तुम्हारे लिए कौन सी काउंसिल बड़ी है, बाप की या बेटे की। जाओ ना। आरती, मैं सोच रहा था क्या अगर बेटा ना हुआ बेटी हुई तो? जल्दी करो ना प्लीज, पिताजी वेट कर रहे होंगे। एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं 12 साल का था ना तो तुम तो सारी जिंदगी 12 साल के ही रहोगे। चलो चलो सुनो चलो ना चलो। अरे कॉमेडी, आज फिर देर कर दी तुमने, मालूम नहीं मीटिंग में जाना था। उन्हें ऑफिस जाने में देर हो गई डैडी। उसके जाने से तुम्हारे आने का क्या ताल्लुक है? नाश्ता वगैरह करा के आते हो ना, नहीं तो फिर वही होटल में जाकर नाश्ता करेंगे। क्यों, बिंदा नहीं है घर पे? बिंदा है, लेकिन नाश्ता मुझे खुद ही खिलाना पड़ता है। ओ, क्या हाथ से खिलाना पड़ता है? बच्चा है अभी? नहीं डैडी, लेकिन बचपना बहुत है सच्ची, बच्चों की तरह उधम मचाया करते हैं घर पे। आरती, बहुत ट्राई किया, सिंसियरली ट्राई किया, लेकिन ये हो नहीं रहा, डालो ना नाड़ा। उफो, एक तो आपके नारे ने परेशान कर रखा है, रस्सी पकड़ के पहाड़ चढ़ जाते थे, एक नारा पैजामे में नहीं डाल सकते। देखो, पहाड़ चढ़ना और पैजामे में नारा डालना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हॉकी खेलते हुए मैं गोल तो मार सकता हूँ, लेकिन सुई में धागा नहीं डाल सकता। इसका मतलब ये नहीं हुआ से कुछ नहीं हो सकता। दीजिए पैजामा दीजिए। देखो, ये मत कहना कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी कविता लिख सकता हूँ कि तुम झूम के दोबारा शादी करने पे तैयार हो जाओगी। सुना? नहीं नहीं, मुझे और बहुत काम है। मसलन ऐसा कौन सा काम है जो मेरी कविता से ज्यादा इंटरेस्टिंग है? यही, आपके पैजामे में नारा डालना। राधे श्याम, कहाँ मेरी कविता और कहाँ नारा, सारी इमेज खराब करके रख दी। बिंदा काका, क्या बात है? जल्दी से ये तार दियो। तार? किसके नाम? तुम्हारे साहब के नाम। होटल पर दोपहर की ड्यूटी है ना, 2 घंटे में मिल जाएगा। अरे साहब तो यहाँ कमरे में बैठे हैं, उन्हें तार भेजने की क्या जरूरत? सुन लेंगे, उन्हें पता नहीं चले। जल्दी जाओ ना बिंदा काका। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। के तेरा ये तार है ले। ओ नो, क्या हुआ, क्या बात है जी? यार, माय वाइफ हैज गॉट अ क्लासिक सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप बनने वाले, कांग्रेचुलेशन यार, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। लेकिन इसमें ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात क्या समझ में नहीं आई? अरे यार, यही बात मुझे सुबह घर पे बता सकती थी, टेलीग्राम भेजा। एक काम कर, हम बोलो तू भी एक टेलीग्राम भेज। करते हैं। सबसे पहले तो उसे कांग्रेचुलेट करना और फिर कहना कि मैं रात को ठीक 9:30 बजे घर पहुंच रहा हूँ, तब तक लड़का तैयार चाहिए। अरे आज क्या, आज पैदा हो जाएगा क्या? 9 महीने लगते हैं पैदा करने में सर। यू डोंट नो माय वाइफ यार, वो महीनों का काम दिनों में करती है। शी विल डू इट जस्ट लाइक। बस बस आया। कुछ नाम सोचा है अपनी बेटी के लिए? मनोरमा। उस मोटी का ख्याल आता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। पूरा नाम लेके थोड़ी बुलाया करेंगे, छोटा सा बुलाएंगे, मन। वो तो बहुत छोटा है। दो बार बुलाया करेंगे, मन मन। लगता है कोई घंटी बजा रहा है। तो फिर
मनु बुलाया करें। मनु, मनु, मनु बेटे, जाओ मम्मी बुला रही है। ओफो, इस घर में मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वाह, क्या लाइन है? आवाज़। आरती, ये सुनो, मैंने एक कविता लिखी है। आप ये कविता लिख रहे हैं? इसमें हंसने की क्या बात? बिल्कुल टूथपेस्ट की ट्यूब लगते हो। वो ऊपर से दबा रहे हैं, सामने से कविता निकल रही है। बिंदा काका जी, अब जाइए। सारा इमेज बिगाड़ के रख दिया। लो, सुना। नहीं, अभी मेरा मूड नहीं। मत सुना, मैं खुद ही पढ़ लूंगी। वाह वाह, वेरी रोमांटिक। आरती, जब मैं 12 साल का था ना, उस वक्त भी इतना ही रोमांटिक था। बाबूजी, बाबूजी, चलिए ना, मेरे लिए बर्थडे का केक नहीं बनवाना है। देखो बेटी, केक खाना हो तो ये जरूरी नहीं कि बर्थडे हो। मिला दूंगा। मैंने अभी नहीं बेटी, अभी तो मैं बिजी हूँ। मैंने अभी देखो बेटी, इस तरह तुम जिद करती रहोगी तो मैं हॉस्टल में भेज दूंगा तुम। मन्नू को हॉस्टल में कब भेजा? 3 साल हो गए। बड़े अच्छे तोतले तोतले खत लिखती है वहां से। 10 साल की हो गई ना? हाँ, दिसंबर में 11 पूरे करेगी। ठंडी है, और मंगा दो। नहीं, अब मैं चलूं। तुम ठहरो, मैं चली जाऊंगी। चलो, मैं पहुंचा देता हूँ। ना चलो तो अच्छा है, मैं नहीं चाहती लोग जाने हमारे बारे में। हाँ, मैंने भी यही सोचा था सुबह, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया। लेकिन ठीक है। जी, हमारा अखबार निकालने के लिए डिक्लेरेशन ले लिया कुछ? जी हाँ, सब कुछ तैयार है। और देखिए, आज तो जमाना का ब्लॉक भी बनकर आ गया। अच्छा नाम है जमाना। नानी से मेरी बात हुई है, लेकिन कोई भरोसा नहीं इसका। इन अखबार वालों को भी अकल की बड़ी बीमारी होती है जी, सोचने से बात नहीं आती। अगर ज्ञानी ने गड़बड़ की तो उसी दिन से हम अपना जमाना शुरू करेंगे। उसके लिए फंड्स की बहुत जरूरत पड़ेगी, और इतना पैसा है तो उसके लिए भी मैं अग्रवाल से बात करूंगा। अगर उनकी पेपर मिल से पेपर क्रेडिट पर मिल जाए तब तो कोई मुश्किल नहीं होगी। जी नहीं, फिर कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये ज्ञानी का पेपर है ना वतन, उसका पेपर कौन सप्लाई करता है? जी मेरा ख्याल है अग्रवाल मिल से ही सप्लाई करते हैं। अगर ऐसी बात है तब तो फिर ज्ञानी गड़बड़ नहीं करेगा, बेफिक्र रहो। देखता हूँ इस बार किसकी खबर छपती है फ्रंट पेज पर, मेरी या आरती की। आरती जी, मेरा ख्याल है पुलिस का इंतजाम किए बगैर आपको जाना नहीं चाहिए था। आपको डर लगता है? नहीं, मेरा मतलब है फिर भी ठीक रहता कहीं दंगा हो जाए, फसाद हो जाए। कौन करेगा दंगा? जनता तो आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ करवाने वालों से डर लगता है। उड़ती हुई खबरें सुनी है कि अपोजिशन वालों को आपका यहाँ आना पसंद नहीं, ऐसा ना हो कि आपको। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ऑपोजिशन वाले भी तो शरीफ इंसान है, गुंडे तो नहीं। वोट फॉर आंधी, वोट फॉर आंधी, वोट फॉर आंधी, वोट फॉर आंधी, वोट फॉर आंधी। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। इधर आ, इधर आ,
रास्ता ब्लॉक है, ऐसे मेरा ख्याल है ब्लॉकेड और भी मिलेगी। कोई बात नहीं, पैदल चलेंगे, मीटिंग में अटेंड करना बहुत जरूरी है। आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये पांच सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये पांच सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए, सलाम कीजिए, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। हमारे वोट खरीदेंगे हमको अंधे कर, ये नंगे जिस्म छुपा देते हैं कफन देकर। ये जादूगर है, ये चुटकी में काम करते हैं, ये भूख प्यास को बातों से राम करते हैं। हमारे हाल पे, हमारे हाल पे लिखने किताब आए हैं, हमारे हाल पे लिखने किताब आए हैं। अरे भाई इसलिए, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये पांच सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये पांच सालों का देने हिसाब आए हैं, आए हैं, आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं। हमारी जिंदगी अपनी है आपकी तो नहीं, ये जिंदगी है गरीबी की पाप की तो नहीं। ये वोट देंगे मगर अब के यूं नहीं देंगे, चुनाव आने दो हम आप से निपट लेंगे। के पहले देख ले, के पहले देख ले क्या इनकलाब लाए हैं, के पहले देख ले क्या इनकलाब लाए हैं। ये इनकलाब लाए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये पांच सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, सलाम कीजिए, ओ सलाम कीजिए, ओ सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये पांच सालों का देने हिसाब। अरे दूसरी गाड़ी ले आओ।
जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाइए। भाई ये पहले प्रेस को तो पहुंचने दो, बुलाना ही है तो किसी फोटोग्राफर को बुलाओ। ए भैया इधर आओ इधर आओ, होटल वालों से कहो कि यहाँ किसी डॉक्टर को भेजें। अच्छा। भैया जरा उठने दो ना खबर, आग लगी है तो अब उसे हवा दो, जलने दो, भड़कने दो। हम हाथ छींटे मार के धुआं धुआं कर दोगे और आप अपनी आंखें खराब कर दोगे। सर यस, आरती देवी जख्मी हो गई, चंद्रसेन ने पत्थर मारे हुए। चंद्रसेन? जी हाँ, मेरा मतलब है चंद्रसेन की पार्टी ने, वो फिदनापुर में मीटिंग अटेंड करने गई थी, ऑपोजिशन वाली पार्टी ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और सुना वो काफी घायल हो गई है। इस वक्त कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में। तुम जल्दी से डॉक्टर गोखले को ले आओ। यस सर। और सुनो मेरी गाड़ी ले जाओ। यस सर। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, किसी को अंदर नहीं जाने देना। बहुत अच्छी। मैं जरा आरती देवी को एक मिनट के लिए देखना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। देखिए थोड़ी देर बाद आकर आप मिल लीजिए, अभी वो प्रेस के साथ बिजी हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक मिनट के लिए। डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जनता को क्या जरूरत है मुझ पर या किसी भी उम्मीदवार पर पत्थर फेंके? पत्थर वो उठाते हैं जिन्हें दूसरे की शक्ति से डर लगता हो, जो डरपोक हूं, जिन्हें अपने आप पर भरोसा ना हो। जनता क्यों पत्थर उठाएगी? जनता के हाथ में तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है वोट की। जिसे वो पसंद ना करे उसे बगैर कुछ कहने का बाहर कर सकती है। आपके ख्याल में ये काम चंद्रसेन का है या गुलशेर खान का? ये काम नफरत का है, छोटेपन का है और किसी का नहीं। ये नफरत क्या जनता की नहीं हो सकती? अगर जनता को मुझसे नफरत होती तो वो 1,00,000 की संख्या कड़ी धूप में चलकर उस मीटिंग में ना पहुंचती, जहां 4 घंटे तक मेरे लिए इंतजार करने के बाद उन्हें मायूस निराश वापस लौटना पड़ा। अगर जनता को मुझसे नफरत है तो मुझे हटाने के लिए उन्हें मुझसे इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। जनता काम और कर्तव्य दोनों जानती है। काम और कर्तव्य उन्हें सीखना पड़ेगा जिन्हें डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं रहा, जिन्हें जनता के चुनाव पर भरोसा नहीं रहा, जो ईंट और पत्थर से अपना चुनाव करवाना चाहते हैं। Is violence not a part of politics? Certainly. It is a part of bad politics. अच्छा ये बताइए, अपोजिशन आपके खिलाफ क्यों है? देखिए, वो मेरे खिलाफ हैं, इसलिए अपोजिशन में हैं। Oh, I see. वो पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने जनता के लिए क्या किया है। क्या उन्हें नजर नहीं आता कि आज के किसान नौकर नहीं जमींदार है? अपने देश की रक्षा के लिए हम आज अपने विमान खुद बनाते हैं। आज हर गांव में स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली है, ये सब कहां थे पहले? ये सब किसने किया? गवर्नमेंट के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रात के रात सब खड़ा कर दे। एक बार, सिर्फ एक बार इन लीडरों से पूछिए, इनमें से कितने हैं जो ईमानदारी से अपने टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, उस पर हड़ताली करते हैं, फौज और पुलिस को शह देते हैं कि वो अपनी ड्यूटी से हट जाएं और बगावत कर दें। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगी अपने विरोधी भाइयों से कि हम इलेक्शन लड़े हैं या जंग? अगर ये जंग है तो गुलेल और पत्थर जैसे पुराने प्रीहिस्टोरिक हथियार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बंदूक और तोप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगर ये जंग नहीं मोहब्बत है तो इस प्यार भरी निशानी के लिए मेरा शुक्रिया उन तक पहुंचा दीजिए। देवी जी, आप अपने आप पर ज्यादा स्ट्रेन मत डालिए, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ, आप पट्टी बनवाइए। एक्सक्यूज मी। आप भी जाइए। एक्सक्यूज मी, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। यस। ये जो दुर्घटना हुई है उसके लिए आप किसे दोष देंगे? यकीनन ये दोष किस्मत का नहीं है और ना ही उन पत्थरों का है
जो चुपचाप रास्ते पर पड़े थे और अचानक उठकर मेरे सर पर बरसने लगे। यकीनन कुछ हाथ उन्हें उठाने के लिए बड़े होंगे, कुछ हाथ उन्हें फेंकने के लिए लहराए भी होंगे, लेकिन उन हाथों को रोकना, उन हाथों को थामना या उन्हें काट के फेंक देना मेरा काम नहीं, जनता का है। आरती ब्लेम्स अपोजिशन, माई फुट, जैसे कि हमने पत्थर फेंका है। और ज्ञानी को देखो, फिर फ्रंट पेज पर तस्वीर छापी है उस औरत की। मेरा तो ख्याल है आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए और अपनी पोजीशन साफ कर लीजिए। मैं? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊं? जी हाँ, अपनी सफाई देने के लिए। हाँ हाँ, यानी कुलाली नहीं लगी पांव पर तो पांव कुलाली पर दे मारो। लोग तो यही समझते हैं कि दंगा हमने करवाया है। यही बात तो वो सब लोगों पर साबित करना चाहती है। जैसे शांति प्रिय नेता तो सिर्फ एक वही है, हम सब तो गैंगस्टर्स हैं, गुंडे। डेमोक्रेसी तो बस वही एक जानती है, हम सब तो अनपढ़ हैं। लेकिन ये दंगा हुआ कैसे? जनता ने खुद किया होगा। देखिए साहब, जनता खुद कभी कुछ नहीं करती जब तक कि कोई शह देने वाला ना हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुलशेर खान ने ये सब किया होगा। और क्या, ऐसे ऐसे अनाड़ी चलाते हैं पॉलिटिक्स में और मुसीबत हमें भुगतनी पड़ती है। यानी को तो मैं देख लूंगा, फिर फ्रंट पेज पर तस्वीर छापी है। हेलो आरती, जरा होल्ड कीजिए आप प्लीज। आप गुरुसरन जी से तय कर लीजिए प्रोग्राम, वो नीचे ऑफिस में गए हैं, आएंगे तो मैं पूछ लूंगी। अच्छी बात जी, नमस्ते जी। हेलो, कल तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन काफी रात तक तुम मसरूफ थी। हाँ, बहुत विजिटर से देखा। अब तबीयत कैसी है? कोई फिक्र की बात नहीं, बड़ी मामूली सी चोट आई है, शाम तक निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन पेपरों में तो बहुत कुछ लिखा है। उस पर मत जाना, हवा कुछ ज्यादा ही दे गई है। जानता हूँ। गुरुचरण जी से पता चला तुम कल आए थे, चौधरी साहब ने मिलने नहीं दिया। गुरुचरण जी पहचानते ही तुम्हें। आज दोपहर को तुम यही हो? बिंदा तुम्हारे लिए साग बना रहा है, तुम्हें पसंद है ना? दोपहर को मैं नहीं रहूंगी, लेकिन रखवा देना। रात को तुम्हारे साथ खाना खा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर आओगी? घर ही पे खाऊंगी। मैं जब तक यहाँ हूँ बिंदा से कह देना घर ही पे खाया करूंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ इज द हेड? आई मीन द इंजरी ऑन द हेड। डोंट वरी, सी। ओह, ओह, आई एम सॉरी, यहाँ कनपट्टी पे लगी थी? नहीं, लगी सर पे थी, यहाँ जरा कट गया था। फिर भी तुम्हें जाना नहीं चाहिए था ऐसी जगह। क्या करती है, काम ही ऐसा है। हाँ मैं जानता हूँ, रात को घर पे आ रही हो ना खाना खाने? हाँ, जल्दी फ्री होगी तो खाना आके पकाऊंगी भी। अच्छा, आता है अभी तक? तो क्या समझते हो? ठीक है, रात को देखेंगे। आई एम सॉरी, मैंने साइड में रख दिया था। ये नींबू पानी पीना कब से शुरू किया? मतलब? कोका कोला भिजवा दूं? कौन सा कोका कोला? वही जो पहली बार पी के मिली थी। तुम्हें याद है अब तक? पहली मुलाकात कोई भूलता है कभी? Can I get a room here? Like to have a single room or a double room? I want a room.
Give me. Give me my room. Yes. कमरा चाहिए आपको? ठीक है. हाथ क्यों तोड़ रही हैं? देखिए, मालूम है ये कौन? कौन है? आरती बोस साहब की बेटी. मतलब के बोस की? तुम्हें कैसे मालूम? उनके साथ में कई दफा मैंने देखा है, मीटिंग्स में, फंक्शंस में, कई दफा. Played a fall with me. How can I go home like this? If you... car kahan hai? Car? Kiski car? Meri Fiat green car. Aha, wo niche hogi. Aaiye. Upar lao. Car? Haan. Upar lao? Haan. Kaise? ट्रे में लेकर आओ. कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, यूज इट. कॉमन सेंस, इसका तो ख्याल ही नहीं रहा मुझे. वो 302 का एसी खराब हो गया है, जरा चेकअप करवा लेना. ठीक है, चेक कर लो. अच्छा, ये बहुत साहब की लड़की कौन सा कमरा दिया है? 212. बॉस साहब को खबर कर दे. छोड़ ना यार, क्यों फंसाते हो बेचारी को. कल को बॉस साहब को मालूम पड़ गया तो सेठों की फैमिली है ना यार. सेठ होंगे अपने घर में. फरोज, एवरी कस्टमर इज अ गेस्ट एंड दैट्स ऑल. साहब साहब, 212 नंबर कमरा है ना. क्या हुआ उसे? सारा पानी बाहर बह रहा है, हमने बहुत घंटी मारी, कोई खोलता ही नहीं है. तुम जा. मैं भी चलूं? नहीं, मैं जाके देख लेता हूँ. तुम्हें काम करो, बाहर जाके देखो कोई फिएट गाड़ी पंचर पड़ी है या नहीं. Good morning. आपके कपड़े उतार कर ले गया था. किसने उतारे? जी, कुछ पूछा आपने? ये कपड़े उतारे किसने? कहाँ से? हाँ, आपने ये नहीं पूछा आप इस बिस्तर पर कैसे पहुंची? कौन उठा के लाया? कहां से लाया? कहां से लाई मुझे? बाथरूम से. जिस हालत में आप इस वक्त हैं, इसी हालत में? नो. यस? हाँ. कल रात आपने ज्यादा पी ली थी, धुत हालत में काउंटर पर कमरा मांगने आई थी. कमरे में आने के बाद शायद नशा उतारने के लिए आप नहाने गई होंगी. वहां सारे नल वल खोल के वही टब में जाकर आप अंटा गफील हो गई. जी हाँ, उसे सोना नहीं कहते, उसे कहते हैं नशे में बत्ती बुझ गई, भूल हो गई. और एक क्लर्क से पता चला आप किसकी बेटी हैं, इसलिए आपके घर पे खबर नहीं की. आपके लिए शायद ठीक ना हो. अब आप कपड़े बदल लीजिए, मेरा मतलब है कपड़े पहन लीजिए, और आइंदा अपने साथ गाड़ी में एक एक्स्ट्रा जोड़ा रखा कीजिए.
आई एम सॉरी, मैं पीती नहीं। कल एक पार्टी में किसी ने शरारत की मेरे साथ, कोको कोला में मिलाकर पिलाता रहा कोई। अरे सुनो इधर, किसके लिए कोका कोला लेकर जा रहे हो? आरती मैम साहब के लिए। आरती मैम साहब के लिए? अभी उसे फिट करता हूँ, बहुत ज्यादा कोका कोला पीती है। दोबारा कोका कोला लेकर जाओ तो पूछ कर जाना। चार पांच कोका कोला पी गई थी, जब नशा महसूस हुआ तो मैं वहां से निकल आई, लेकिन गाड़ी में महसूस हुआ कि घर जाने जैसी हालत नहीं है। समझ में नहीं आया कहां जाऊं, घबराहट में छुपना चाहती थी, इसलिए यहां आ गई। गाड़ी खड़ी करने तक तो याद है मुझे। आप उसे गाड़ी खड़ी करना कहती हैं? मतलब? एक पहिया पटरी पर, एक गमले में, बाकी दो जो सड़क पे थे उनमें से एक पंक्चर। ओह नो। यस। हाँ। एनीवे आपकी गाड़ी तैयार करवा दी है, जब नीचे आएंगी देख लीजिएगा। ये रही आपकी गाड़ी और वो रहा हमारा गमला। बेचारा। सॉरी। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। I am very very thankful to you. You're welcome. मैं बिल भिजवा दूंगा। ओह, मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिएगा और आइंदा पर्स में पैसे रखा कीजिए, ऐसे वक्त के लिए काम आते हैं। फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। Really? I mean it. Promise? हाँ, promise. ओ हाँ, ये मेरा पता है, आप घर पे आइएगा किसी दिन, जरूर आइएगा, मैं उम्मीद रखूंगी। मुझे माफ कीजिएगा, वो कार्ड आपको गलत दे दिया था, मुझे दे दीजिए तो। कार्ड? हाँ कार्ड। हटिएगा नहीं, मुझे जाने तो दीजिए, नहीं तो मिरान में नजर आता है। ये जान कमा था, आज की रात देखा ना तुमने कैसे झुक झुक के कोहनियों के बल चांद इतना करीब आया है। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। पता है जब तुम अच्छा कहती हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ ये कविता ना होती ना तो तुम बहुत ऑर्डिनरी आदमी होते। कैसे ना होती, 12 साल का था जब मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया था। तुमने सारे काम 12 साल की उम्र में ही कर लिए थे? हाँ, सारे काम 12 साल की उम्र में कर लिए थे, सिवाय शादी की। वो क्यों नहीं की? तुम जो नहीं मिली बना वो भी कर लेता। बच गए तुम, नहीं तो कुमारी रह जाते।
तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चराहों से लो जा रही हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चराहों से लौटा रही थी, तुम आ गए हो, करनी है। क्यों इतनी जल्दी? क्या है, क्या हो जाएगा शादी से? कहो कहो, समझाओ मुझे। जहां तक मैं समझता हूं, हमारे मुल्क में तकरीबन 38,000 शादियां रोज होती हैं, उसमें से एक शादी तुम्हारी भी होगी। फिर आगे क्या, फ्यूचर का क्या होगा? हमारे यहां जो बर्तन मांजने वाले आती है, उसने भी शादी की है, उसके बच्चे भी हैं, तुम्हारे भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन फिर क्या,
क्या यही तुम्हारी जिंदगी का गोल है? यही तुम्हारी एम्बिशंस हैं? I'm very much disappointed, my dear. You just want to be one of these millions and millions and millions of creatures. मेरी तुम्हारे साथ कितनी उम्मीदें थी? मैं चाहता था कि तुम बहुत ऊंचाई तक पहुंचो, लेकिन अब तुम इस शादी की जल्दी में। नहीं नहीं, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, इतने साल रुका हूं, कुछ साल और रुक जाऊंगा, लेकिन तुम? मुझे तो है। फिर क्या करेंगे? शादी करेंगे। और तुम्हारी लीडरी का क्या होगा? वो तुम करना। और तुम क्या करोगी? तुम्हारे पल्ले पड़े हूँ, किचन में प्याज कटूंगे करूंगी। और क्या करोगी? तुम्हें बोर करूंगी। वो तो जाहिर है। और तुम्हारी जान खाऊंगी। और बाबा सब करूंगी, कपड़े सीऊंगी, आटा गूंदूंगी, दाल छकूंगी, बस। पढ़ लिख कर यही गुल खिलाने थे तो फिर ऑक्सफोर्ड में जाकर 5 साल जाया करने की क्या जरूरत थी? Do you know what sacrifices were given by this girl? If big ambitions are to be achieved, you have to forego these trivial pleasures. यही तो मेरे आइडियल हैं, डैडी। मैं शायद ये ना बन सकूं, लेकिन उनके रास्ते पर चलने की कोशिश तो कर सकती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पॉलिटिक्स में जाओ, कुछ पोजीशन हासिल करो, ताकि मेरे बिजनेस को भी कुछ फायदा पहुंचे। ओहो, तुम समझती नहीं हो, तुम्हारी तरक्की होगी तो मेरे बिजनेस की भी तरक्की होगी। आजकल तो पॉलिटिक्स के बिना कुछ। डैडी, मेरी जिंदगी को अपना बिजनेस मत बनाइए। मैं राजनीति में जा रही थी तो देश की सेवा के लिए, आपकी दुकान चलाने के लिए नहीं, और छोड़ रही हूं तो अपना घर बसाने के लिए। सोच रहा था, तुमने कहा था जब घर आओगी तो खाना खुद पकाओगी, लेकिन अब तक तो बिंदा खाना पका चुका होगा। देर हो गई ना निकलते निकलते। अच्छा, लास्ट तुमने खाना कब पकाया था? जब मैं 12 साल की थी। क्या कर रही हो बेटी? छोड़ो छोड़ो, अब तो बड़ी बड़ी देश की समस्याएं सुलझाओ, कहां दाल छौंकने छांकने में लगी हो। अब तो आदत भी छूट गई होगी ये सब करने की। कितना कुछ छूट गया काका, घर छूट गया, तुम लोग भी छूट गए। ये क्या कहती हो, न मिलने से कहीं रिश्ते टूट जाते हैं? और रिश्ता ही क्या जहाज छूटने से टूट जाए। जब साहब को बुला लो, मैं खाना लगा देता हूं। अरे तुम गई नहीं अभी तक, जा बुला लो। क्या सोच रही हो? कैसे बुलाऊं? मतलब तुम कैसे बुलाते हो? मैं तो साहब कह के बुलाता हूँ, तुम साहब थोड़ी कहोगी। अच्छा, लोग कैसे बुलाते हैं उन्हें? लोग तो जे के साहब कह के बुलाते हैं, तुम लोग थोड़े ही हो। मैं बुला लो। नहीं, क्या मैं नहीं बुला सकती हूँ? जाती हूँ, मैं बुला लूंगी। खाना लग गया है। चलो। क्या देख रही हो? पुराना एल्बम देख रहा था। मुन्नू बहुत मोटी लगती है इसमें। बाप पे गई है ना। ये कब ली? ये पिछले साल। यहाँ से कुछ दूर एक बारादरी है, वहीं पर ली थी। काफी फेवरेट जगह है मन्नू की। अच्छी जगह है। बहुत अच्छी है, कभी चलो तो दिखाओ। मैं कब जा सकूंगी? दिन में नहीं चल सकती तो रात को चलो। कब? आज ही चलो, खाने के बाद। ले जाओगे? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
बरसों बाद घूमने निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी। शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी। हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है। एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है? भूल गई। ना ना, तुम नहीं बदलोगी। लो। बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना। जी में आता है तेरे
तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। एक तरीका है चंद्रसेन की ताकत तोड़ने का, वो ये कि अग्रवाल को इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाए। उससे फायदा? भैया ये जो 10 आदमी एक जगह हैं, उनको जीतने के लिए तुम्हें कितने वोट चाहिए? 11। अगर मैं इनको 5-5 में बंटवा दूं फिर? 6। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अगर आरती देवी को मालूम पड़ गया तो? भैया इसीलिए तो तुम्हें बता रहा हूं कि उनके कानों तक खबर ना पहुंचे, दरवाजे खिड़कियां बंद। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? अब आप ही बताइए ना अग्रवाल साहब, अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो मेरे बाल बच्चे किसे वोट देंगे? मुझे ही देंगे ना। और आप तो मजदूरों के माई बाप हैं, उनको तो ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि चंद्रसेन कौन है और आरती देवी कौन। ये वोटे तो आपकी जेब में है। सो तो है। और दूसरी जेब में बिजनेस क्लास पड़ी है। वो तो हमारे बिरादरी वाले हुए। अग्रवाल साहब ये तो सीधी बात है, सारा बैलेंस आप पर है, जिस तरफ आप जाएंगे वही तरफ जीतेगी, तो फिर आप ही क्यों नहीं खड़े हो जाते? वो तो हमने सोचा ही नहीं। सोचने का काम आप करो ही नहीं, वो सब हम पर छोड़ दो। ये आप कौन सी दवाई पीते हैं? गुर्दे की, अगर ना पीऊं तो गुर्दे काम नहीं करते। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि चंद्रसेन को वोटे भी आप दे रहे हैं और पैसा भी, ठीक है ना? ठीक है। कोई 1-1.5 लाख तो लग ही गया होगा। अजी साहब उसे कई ज्यादा खर्च हो चुका है। भैया अगर वो जीत गया तो 10-20 बन जाएंगे। ठीक है। और अगर ना जीता तो? तो? अरे भैया आप हैं बिजनेसमैन, आपको उसकी हार और जीत से क्या लेना है, आपका तो पैसा नहीं डूबना चाहिए बाप। वो तो है। और अगर यही पैसा आप अपने पे लगाएं तो ना खोने का डर और ना पाने की फिक्र। अग्रवाल साहब आपको तो घाटे का चांस ही नहीं है। बात तो तुमने पते की। तो फिर क्या है भैया, मैं तो कहता हूँ खड़े हो जाओ। पागल, दिमाग खराब हो गया है उसका। मेरे तो समझ में नहीं आता कि उसे ये उल्टी राय दी किसने। वही लल्लू होगा, ये शीशे का निशान तो उसी का है। वो ये सब क्यों करेगा भला? वो लोग अग्रवाल को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर सकते हैं,
उसे अपने खिलाफ खड़ा नहीं करवाएंगे। अग्रवाल अगर खड़ा होगा तो मजदूरों की वोटों का क्या होगा? होगा क्या? सारे वोट उसी को मिलेंगे, उसी के मिले हैं उसी की मजदूर। लेकिन वहां तो बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही है कल से। स्ट्राइक क्यों? उनकी कुछ मांगे हैं। अच्छा, अगर उसके मजदूर उससे टूट जाएं, तो अग्रवाल की ताकत ही क्या है? अवतार जी, मजदूरों को फड़काए रखो और किसी तरह का कोई समझौता मत होने दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want order, we want order, अग्रवाल अग्रवाल अग्रवाल, we want order, we want order, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अग्रवाल अग्रवाल, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सब ठीक है, पहले महिला सभा के फंक्शन पर चलेंगे। चलिए आरती। सुनो ये रहे। और ये दवाई दिन में दो तीन बार ले, तो काम कुछ ज्यादा ही हो गया। कल रात मैंने नोटिस किया इनको जुकाम हुआ है, तो ये रख ली। भैया तो भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। कैसा मौसम? के रंग ढंग कुछ ठीक नजर नहीं आते। बारिश होगी क्या? अरे बारिश नहीं, आंधी आएगी। आंधी मुखालिफ पार्टी को अगर पता चल गया या शक भी पड़ गया तो मट्टी खराब कर देंगे वो लोग। हेलो सर। हेलो, मैं कम इन सर। आओ आओ मलिक आओ। देखें क्या लेकर आए। सर कुछ फोटोग्राफ लाए हैं। वेरी गुड, ये बड़ा काम किया है। मैंने तो कहा था आपसे, उस दिन उनको मैनेजर के घर पे देखा था और कल रात दोनों बरादरी में भी घूम रहे थे। तुम्हारे कहने पे लोग यकीन करते या ना करते, लेकिन इन तस्वीरों से कैसे इनकार करेंगे? इन्हें तो मानना ही पड़ेगा। ये लो अवतार, जमाने के लिए बहुत अच्छा मैटर मिल गया है। मुहूर्त करो अपने पेपर का। अग्रवाल उधर संभाला जाएगा हड़ताल में, और यह औरत इधर होटल। गर्क हो गया है। ये क्या करती है इस औरत ने? ये सब चंदसेन की शरारत है। अरे शरारत काहे की भैया, वो झूठा हो सकता है मगर ये तस्वीरें तो झूठी नहीं हो सकती। ये खड़े नहीं हो सके पब्लिक के सामने। ये इलेक्शन तो गया हाथ से। मैं अपने तजुर्बे की बिना पे कहता हूँ कि अगर भगवान भी आकर इनकी मदद करे ना, तब भी ये नहीं जीत सकते। तुम नहीं जानते जनता को। अजी ना हो तो क्या हुआ, उनकी जाती जिंदगी से क्या लेना है? भैया गीता हाथ में लेकर जंग नहीं लड़ी जाती। भगवान कृष्ण नहीं लड़ सके तो ये क्या लड़ेगी? आप नहीं समझते ललूलाल जी, यही तो भूल की अपोजिशन ने। वो क्या? औरत बड़े से बड़ा गम सह लेती है, लेकिन करेक्टर पे दाग लगे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल की वापसी की तैयारियां शुरू कर दूं? बहुत जरूरी काम पड़े हैं पीछे। वो और दो दिन आगे कर दीजिए। इस तरह ये सब छोड़ के
नहीं जाया जा सकता। मॉडर्न स्कूल और सिटी हॉल की दोनों मीटिंग तो कैंसिल ही कर दीजिए, और मेरा तो ख्याल है ये होटल भी बदल दीजिए आप। चुप रहिए आप, भाग जाने से क्या बच जाएंगे? सुना है सारे शहर में पोस्टर्स लगवा दिए हैं इसने। साफ करो इसे। अरे ऐसे नहीं, पानी से। तुम काम करो, अंदर जाके टीचर आज का बुहार ले आओ। जाओ जल्दी। अंदर कैसे पहुंच गए? उठे कहां है, मर गए थे क्या? आप तो खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं। तुम खाना खा के सो जा, वो अब नहीं आएगी। सुनो, वो दवाई ले आना। हेलो अमृत, सब ठीक है ना? जी ठीक है। रहा देखो, वो ऊपर खाना गया जी, आरती देवी तो आई थी क्या? अभी तक नहीं आई। ओके बने। ये ले। मैं एक बार जाकर देखा हूं होटल में। कोई जरूरत नहीं, भूल जाओ, वो है भी यहां। इस्माइल भाई। क्या इस्माइल भाई? ये इस्माइल भाई? इस्माइल भाई नहीं, स्माइल भाई। स्माइल स्माइल। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। फोरग्राउंड में भी तुम, बैकग्राउंड में भी तुम। वाह। खादी की साड़ी। कहाँ जाने की तैयारी है? फिर कोई मीटिंग अटेंड करनी है डैडी के साथ? हाँ, आज पिताजी के साथ जाना है बाहर। और उसको कौन देखेगा? तुम्हारी लड़की को? बाप देखेगा। और काम पे कौन जाएगा? मैं जा रही हूँ ना, आज तुम छुट्टी ले लो। देखो मैम साहब, आराम से घर पे रहो और घर को देखो। ये रोज का तमाशा नहीं चलेगा। कल जब मैं घर लौटा तो पड़ोसन बच्ची को देख रही थी। परसों बेचारे बिंदा चाचा परेशान हो रहे थे। लाओ ये साड़ी। आराम और चैन से पहले भी समझा चुका हूं, मुझे ये नेतागिरी बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्या पसंद है उसे? क्या बनाना चाहता है वो तुम्हें? उस वक्त इतना समझाया कि अभी शादी मत करो, ये शादी का वक्त नहीं है तुम्हारे लिए, मेहनत का वक्त है, पहले कुछ बन के बताओ। लेकिन उस वक्त तो उसके लिए पागल हो रही थी। माय गॉड, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। लॉ पढ़वाया, बैरिस्टर बनवाया, पढ़ लिख के सब पानी में डाल दिया। कितना ब्राइट फ्यूचर था तुम्हारे सामने, सब चौपट कर दिया होटल के एक बैरे के लिए। देखो ये होटल छोड़ क्यों नहीं देते तुम? और कुछ कर लो। मसलन क्या कर लो? कुछ भी, डैडी किसी भी लाइन में लगा सकते हैं। कोई अपना
बिजनेस भी तो कर सकते हो। एक बात पूछूं, ये आइडिया किसका है, तुम्हारा या तुम्हारे डैडी का? डैडी? डैडी क्यों कुछ कहेंगे इसमें? फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या होगी? तुम्हारी ही तरक्की की बात कर रही हूं ना, कुछ बुरा तो नहीं कहा? वुमेन काउंसिल में जितनी औरतें हैं सब बड़े बड़े ऑफिसर्स की बीवियां हैं, एक मैं ही हूं जो होटल वाले की बीवी कहलाती हूं, यही ना? और क्या, इससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है? बढ़ने की वजह तो नहीं। सुनो, किसकी बीवी कहलाना तुम पसंद करोगी? तुम किसकी बीवी हो, मेरी या मेरे प्रोफेशन की? सुनो आरती, मैं जानता हूं तुम एक बहुत बड़े रईस बाप की बेटी हो और खुद कभी नेता बनने की तमन्ना रखती थी, लेकिन मैं एक सीधा साधारण आदमी हूं और हमेशा रहना चाहूंगा। ये सब बातें शादी से पहले मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाई थी ना? अब अगर मेरी बीवी कहलाने में तुम्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है या अपना आप छोटा लगता है, तो तुम जब चाहो अपने बहुत बड़े बाप के घर जा सकती हो। सिर्फ एक बात है, जाते वक्त तमाशा मत करना, मुझे कह देना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। साहब फिर नाश्ता किए बगैर चले गए? तो मैं क्या करूं, उनका नाश्ता लेकर भांगू पीछे पीछे? नहीं बेटा, ये रोज रोज अच्छी बात नहीं है। तो तुम खिला दो ना जाकर। देखो बेटा, पति की इच्छा में ही तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। क्यों, पति है ना, कोई बॉस तो नहीं, कोई नौकर तो नहीं उनके घर में कि उनकी मर्जी से नहीं चलूंगी तो निकाल देंगे मुझे। तुम्हारी जगह होती तो ये शायद डर होता मुझे। नौकर तो मैं भी नहीं हूं बेटा, मैं नौकरी करने नहीं आया। जहां तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए तुमसे दूर नहीं रहा जा सकता, इसलिए तुम्हारे पिता का घर छोड़कर तुम्हारे साथ चला आया। मुझे निकालने का दम नहीं है तुम में, तो मुझे नहीं निकाल सकते इस घर से। ये घर मेरी मर्जी से नहीं चलता, लेकिन ये घर मेरा ही है बेटा। अच्छा नहीं लगेगा तो चला जाऊंगा, अपनी मर्जी से चला जाऊंगा, तुम ही निकाल सकती मुझे। काका, छोटी है ना मन्नू, बड़ी हो जाए उसका ब्याह करके उसके साथ ही चला जाऊंगा, तब नहीं जाऊंगा तुम्हारे इस घर। थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे जरूरी बात करनी है, इधर आओ। सुना नहीं, इधर आओ कहा तुमसे? तुम भी तो आ सकते हो। खड़ी हो, खड़ी हो, कहा तुमसे? मेरा शौहर बनने की कोशिश मत करो, बीवी हो बीवी की जगह पे रहो, समझी? आओ मेरे साथ बैठो। ये क्या है? क्या अंग्रेजी पढ़ लेती हो ना? मेरा नाम कैसे आया इस कमिटी में? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता? पिताजी ने दिया होगा। दिया होगा, होगा
तुम्हें नहीं पता? पता था। फिर कहा क्यों नहीं मुझसे, बताया क्यों नहीं मुझे? ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट तो बनाया है, कोई गाली तो नहीं दी? बंद करो अपनी बकवास। किसे पूछकर मेरा नाम दिया गया था? यू नो आई हेट योर ब्लडी पॉलिटिक्स। मुझे तुम्हारे उन खाओ खा के तंगों की जरूरत नहीं है। मैं जो हूं जितना हूं उसी में खुश हूं। तुम खुश हो गए अपने आप में? इस छोटे से कुएं में मेरा तो दम घुटता है। क्या कहा तुम्हें? तुम्हारा दम घुटता है यार इस कुएं? पर क्यों पड़ी हो यहां? जाओ यहां से। कब की चली गई होती? अगर डैडी की बदनामी का डर ना होता तो मैं इस घर में अपनी डैडी की इज्जत की वजह से पड़ी हो? इस घर की इज्जत के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं हो तुम इस घर में? ठीक है, अगर तुम नहीं जा सकती तो मैं चला जाता हूं इस घर से। फिर तुम्हें पूरी आजादी होगी, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं पड़ूंगा और ना तुम्हारा साया पड़ने दूंगा अपने रास्ते पर, अपनी बच्ची पर। मैं कहां हूं, किधर चला गया हूं उसकी खबर नहीं लगने दूंगा। हां मखा तुम्हें पछताना पड़े। क्या बात है जेके, क्या तकलीफ है, क्यों रिजाइन करना चाहते हो? श्री कृष्ण ने दिल भर गया यार से। देखो बेवकूफी मत करो, आज असिस्टेंट हो, दो चार साल बाद मैनेजर बन जाओगे। अगर आज छोड़कर चले गए तो कहीं तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। क्या बात, कहीं तुम्हारा वाइफ से झगड़ा तो नहीं हुआ? आज रात मैं घर नहीं लौटूंगी, शायद कभी न लौटूं। फैसला तुम पर है। तुमने कहा था मुझसे तमाशा मत करना, मैं कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन दिल की बात साफ साफ कह रही हूं। अगर हम एक दूसरे की तरक्की की वजह नहीं बन सकते तो एक दूसरे की बर्बादी का कारण भी क्यों बने? तुम्हें यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं खुद बता देना चाहती हूँ, इससे पहले कि कल सुबह तुम ये अखबार में पढ़ो, मैं इस बार म्यूनसिपल इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ। कल मुझे वो पेपर्स भी दाखिल कराने होंगे जिनमें तुम्हारे दस्तखत होते तो अच्छा था, वरना मुझे लिखना पड़ेगा कि हम हमेशा हमेशा के लिए अलहदा हो चुके हैं। मैं घर लौटूँ या ना लौटूँ फैसला तुम पर है। आरती। भाइयों, श्री अग्रवाल का नाम कोई नया नहीं है आपके लिए। ऐसा कौन सा शहरी है जो श्री अग्रवाल को नहीं जानता? वो आज तक हर उस उम्मीदवार की मदद करते रहे हैं जिन्हें उन्होंने अपने शहरियों के लिए मुफीद और कारामत समझा है, लेकिन आज जब उन तमाम उम्मीदवारों से उनका भरोसा उठ गया है, उनकी खुदगर्जियां उनके सामने आई हैं, तो उन्हें खुद इलेक्शन में खड़ा होकर अपने शहरियों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उन उम्मीदवारों के चेहरे आपसे छुपे नहीं हैं, जो इस शहर में आके या तो इश्क लड़ाने में मसरूफ हो गए हैं या तो हड़तालों का सहारा लेकर देश की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ विरोधी उम्मीदवारों से नहीं, आपसे भी यही सवाल करता हूँ। अंडा है तुम्हारे पास? नहीं तो मेरे पास तो नहीं। मेरे पास बहुत है। जाओ क्या करूं इसका? अरे भैया छिलका उतार के जेब में डाल और अंडा ऊपर जाने दे। ये वो जमाना नहीं रहा जब हम अपना मुकद्दर किसी दूसरे के हाथ में सौंप दें। अब हमें छिलका जेब में डाल और अंडा ऊपर जाने दे। अपनी तकदीर खुद बना।
बनानी है। मुझे लगता है मौसम कुछ खराब होता जा रहा है। आप भाइयों सुनिए सुनिए भाइयों, आप लोग क्या कर रहे हैं? शांति से मेरी बात सुनिए। तुम तो कह रहे थे ये मजदूर हमारे बाल बच्चे हैं, मगर ये तो हमारे बाप निकले। आजकल के औलाद है ना, बड़ी चंचल होती है आजकल की औलाद। चंचल होती है, मगर आप उन्हें काबू में कैसे किया जाए? आप उनकी मांगे मान लीजिए, वो आपके साथ आ जाए। क्यों, मेरा दिवाला निकालना है क्या? तो कोई और तुम बता करवाओ क्या? एक बार आपको आरती देवी से मिलना पड़ेगा। वो किस लिए? वो इसलिए कि मजदूर क्लास है ना, उनकी बात सुनती है। पागल हो गए हो क्या? वो हमारी ओपोजिशन पार्टी की है, हमारी मदद क्यों करेगी? अजी राजनीति में ये लेन देन तो चलती रहती है। और अगर उसने हमें बैठने को कह दिया तो? तो आप मत बैठिएगा, खड़े रहिएगा। अच्छा एक बात बताओ जी, ये मैनेजर वाली बात जो है, क्या वो सच है? पता नहीं, मगर बगैर आग के धुआं नहीं निकलता। मैं अंदर आ सकता? आइए मिलने लाइए। बहुत बिजी लगते हैं। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, एक जरूरी काम से आया हूँ। अग्रवाल आपसे मिलना चाहता है। क्यों? क्या है कि गलती से वो इलेक्शन में खड़ा तो हो गया है, मगर अब बैठना चाहता है। क्यों, थक गए? अजी बोर हो गया है, पॉलिटिक्स का अलग तो जानता नहीं। तो किसने कहा था इलेक्शन में खड़ा होने के लिए? पता नहीं, के सुल्लू के चरकटे ने राय दी थी, चंद्र सेन के यहाँ वापस जा नहीं सकता। अब वो चाहता है कि आपके हक में बैठ जाए, सिर्फ आप एक बार कह दें। मैं क्यों कह दूं? मिलने में क्या हर्ज है, एक बार मिल लीजिए। आप कहें तो होटल में मीटिंग अरेंज करवा दूं। ठीक है, उसकी हड़ताल का क्या हुआ? पहले आपसे समझौता हो जाए, फिर मजदूरों से भी हो जाएगा। बात सिर्फ ये है कि आप कोई चाल तो नहीं चल रहे उनके साथ? अजी क्या कह रही हैं आप, मुझे क्या जरूरत है? ख्याल रहे लल्लू लाल जी, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। झूठ बोलकर सच्चाई कभी नहीं जीती जा सकती। जनता को अगर मेरी जरूरत होगी तो मुझे अपनाएगी, और नहीं तो निकल कर फेंक देगी। जनता से कोई चाल न चलना। आप बेफिक्र रहिए, मैंने तो कभी ऐसी नीच हरकत के बारे में सोचा तक नहीं। आप करने की बात कह रही हैं। अगर कभी भी मुझे पता चल गया कि आपने किसी तरह की चलाकी की है, तो आइंदा मुझे कभी सूरत न दिखाना। अभी अभी तार मिला है, मुन्नू आ रही है। मुन्नू आ रही है? कब आ रही है सर? परसों तक पहुंचे। एक काम करो, तुम शिमला स्कूल को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो। अगर वो नहीं चली है तो प्रिंसिपल से कहना उसे रोक दे, मैं आ रहा हूँ। और अगर वो चल दी है तो पता लगा लो कैसे आ रही है और मैं उसे कहाँ रोक सकता हूँ। वैसे वो यहाँ ना ही आए तो अच्छा, इलेक्शन से जो बदनामी हो रही है उसे मैं खुद भागना चाहता हूँ। वो आएगी तो और बुरा होगा। जी मैं पता करके बताता हूँ। फोन लग जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं ऑफिस में हूँ। यस सर। और हाँ, ये हॉल किसके लिए सजाया है? कोई पार्टी है? यस सर, मिस्टर अग्रवाल की पार्टी है, ड्रिंक सेंटेनर। लाख डेढ़ लाख की क्या बात है, वो तो हमने पिछले इलेक्शन में भी खर्च कर। विस्की? थैंक यू। आप विस्की नहीं पीते? जी नहीं, मैं गुर्दे की दवा पीता। हेलो हेलो, मैनेजर साहब हैं वहाँ पे? साहब तो नहीं है, शिमला से फोन। अच्छा बुला देता। हेलो हेलो प्रिंसिपल साहब, जी हाँ मैं जेके बोल रहा हूँ। मनोरमा से यहाँ से जा चुकी है। कब निकली वहाँ से? कल। ऐसे ऐसे, अच्छा अच्छा, वार्डन भी साथ है? हाँ। ये ट्रेन इलाहाबाद कब पहुँचती है? मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खुद पता लगा लूँगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके। लल्लू जी। जी। ये औरत आज भी नमकीन लगती है, काफी दमखम है। इसमें बेचारे मैनेजर का क्या कसूर है, किसी का भी दिला सकता है। देखिए ये आपको इलेक्शन में बैठने के लिए कहें, मेरा ख्याल है कि लल्लू जी अगर ये लेटने को तैयार हो जाए, हम बैठने को तैयार हैं।
क्या कहा आपने? तो आप ही है मैनेजर साहब, काफी अच्छा माल। यू बास्टर्ड, तेरी मां लगती है क्या? मेरी क्या लगती है मैं जानता हूं, जिस दिन कोई पूछने वाला पैदा होगा मैं देख लूंगा। तुम इसी वक्त यहां से निकल जाओ वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। देख लिसन, आई एम नॉट अ ब्लडी पॉलिटिशियन, आई फेस थिंग्स स्ट्रेट एट द फेस मी। किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मुझसे आकर पूछे मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है, मैं जवाब दूंगा। तुमसे क्या पूछते हैं जिसे खुद नहीं मालूम कोई रिश्ता है या नहीं, और अगर है भी तो क्या? ये ओछी और हल्की हरकतें तुम्हारी सियासत में चलती होंगी, मेरी जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं, समझी? क्या बात करते हैं आप, सारा शहर जानता है और कल तक सारा देश जान जाएगा। छे छे छे, इतनी बड़ी नेता होकर इश्क करती हैं और वो भी एक होटल के मैनेजर के साथ। लोग क्या क्या बातें करते हैं मालूम है तुम्हें? जाक मारी है इस इलेक्शन में, आज आखिरी दिन है, परसों पोलिंग शुरू हो जाएगी। सब कुछ डूब गया, जो कुछ हाथ में था गया। सुने, ये आरती देवी थी? जी हाँ, समझ में नहीं आता कहाँ चली गई। आप तो जानते हैं पुरानी आदत है इनकी, जब भी परेशान होती है तो गाड़ी लेकर अकेले घूमने निकल जाती है। हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कोई ना कोई एक्सीडेंट करके ही लौटेगी। She hasn't changed a single bit, वही मिजाज, वही गुस्सा, वही इंपल्सिव नेचर। आप जाइए पता कराइए, वरना अभी कोई ना कोई दुर्घटना की खबर मिलेगी। लल्लू लाल जी, जरा जिप भेज कर पता लगाइए ना कि कहाँ चली गई है। भैया वापस चली गई, यहाँ रहकर करती भी क्या, अब कोई तमाशा भी नहीं रहा देखने के लिए। अकेला चंद्रसेन खड़ा है मैदान में, ये इलेक्शन तो वो ले गया। अजी मैं कहता हूँ गोली मारिए चंद्रसेन को, चंद्रसेन को कुछ नहीं चाहिए, आपका वोट भी नहीं चाहिए, चंद्रसेन को इंसाफ चाहिए, फैसला चाहिए, और वो भी आप लोगों से। मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि उस होटल मैनेजर को किसकी शय थी कि उसने अग्रवाल साहब पर हाथ उठाया, किसके बलबूते पर उसकी इतनी हिम्मत हुई? और जब मैं कहता हूं कि उन दोनों में कोई नाजायज ताल्लुकात हैं तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं? मैं गलत कहता हूं? इसी पांडाल में, इसी स्टेज पर से मैंने आरती देवी से तीन सवाल किए थे जिनका जवाब आज तक जनता को नहीं मिला। वो शायद भूल गई, वो शायद जनता को भी भूल चुकी, लेकिन आज जब पब्लिक मीटिंग का आखिरी दिन है मैं अपने सवाल दोहराना चाहता हूं ताकि अगर आरती देवी चाहे तो उनका जवाब दे सके। ये सवाल मेरे नहीं जनता के हैं, जनता उनसे पूछ रही है कि उस होटल मैनेजर के साथ उनका क्या रिश्ता है, क्या वो रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है, या वो मैनेजर आरती देवी का प्रेमी है, या एक अच्छे होटल मैनेजर के फराइज पूरे करते हुए वो अपने ग्राहक की हर तरह की भूख प्यास का ख्याल रख रहा है। जो लोग जनता के लीडर बनना चाहते हैं उन्हें जनता के सामने ऊंचा आदर्श रखना पड़ता है, कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं ताकि जनता उनकी इज्जत करे, उनका आदर करे, और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्हें जनता के सामने से निकल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए उनकी जिंदगी से। हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता, हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता और बोलिए बोलिए, हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता पर आप लोग क्यों गए, कुछ कहते क्यों नहीं, आपकी जबान रुक क्यों गई? मैं आपके अदालत में आई हूं
भाइयों और बहनों, माफी मांगने नहीं आई हूं, न्याय मांगने आई हूं। न्याय कीजिए और दोषी समझिए तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए मुझे। आपको ये ही पूछना है ना मुझसे, आशियाना होटल के मैनेजर मेरे क्या लगते हैं, उनका मुझसे क्या रिश्ता है? मेरे विरोधी भाई ने काफी सख्त शब्द में मुझसे कुछ सवाल पूछे। मैं इतना ही जानना चाहूंगी कि यही सवाल कोई उनकी पत्नी से उनके बारे में पूछे तो उन्हें कैसा लगेगा। मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का इतना ही शौक था तो मुझसे कहते, मैं खुद मिला देती उन्हें और कहती इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं। हाँ हाँ, मैं चीख कर आपसे कहती हूँ, वो मेरे पति हैं। और अपने पति के साथ मिलना अगर गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है, अपने पति के साथ घूमना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। मगर भगवान के लिए इंसाफ तो कीजिए, न्याय तो कीजिए। इस तरह मुझ पे यूताने न फेंकिए, भरे बाजार में बदनाम न कीजिए, मेरे मुंह पर कालिक मत मलिए। मैंने यही पाप किया है ना कि मैं अपने पति के घर गई थी, वर्षों बाद अपने पति का हाथ थाम कर चार कदम चली थी, उसके लिए आपने मुझे आरती। अच्छा हुआ आज यहां आकर अपने मुझे संभाल लिया, मेरी शक्ति मुझे दे दी। आपके मुल्जिम, आपके अपराधी आपके सामने खड़े हैं, अपना न्याय दीजिए हमें। 12 साल पहले इनसे मेरी शादी हुई थी, हमारी एक बेटी है जो शिमला में पढ़ती है। यही तो है छोटी सी निजी जिंदगी मेरी, जो आपके इन महान नेताओं को अच्छे नहीं लगे, जिसे वो नाजायज कहते हैं, गंदा कहते हैं, जिसके लिए मेरे खिलाफ पोस्टर्स निकाले गए, तस्वीरें छपी गई। मैं किस जबान से बताती आपको, मैं 10 बरस बाद इनसे मिली हूं, इसलिए कि पिछले 10 बरस से मैं आपके साथ हूं, आपकी तकलीफ आपके दुख की भागीदार रही हूं, आपके बीच रहने की आपके साथ रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। जिस समय पर मेरे परिवार का हक था, मेरे पति मेरी बच्ची का हक था, वो उनसे छीन कर मैंने आप में बांट दिया। मैं आपसे पूछती हूं, कौन सी औरत है जो 10 साल बाद अपने पति को देखे और उससे मिलना ना चाहे और उसे बताना ना चाहे कि जो जिंदगी उसे साथ साथ गुजारनी थी वो अलग अलग कैसे गुजर रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मुझे वोट मत दीजिए, मुझे नहीं रहना है इस राजनीति में, मैं घर वापस जा रही हूं, अपने पति अपनी बच्ची के पास वापस जा रही हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, दे सके तो आशीर्वाद दीजिए, न्याय दीजिए, और अगर आप भी दोषी समझे तो सजा दीजिए। आरती देवी की
अब सूचनाओं से पता चला है कि श्री अग्रवाल श्री चंद्रसेन के हक में बैठ गए, इसलिए उनके जीतने की संभावना बढ़ गई है। श्रीमती आरती देवी, क्यों रेडियो क्यों ऑफ कर दिया? ये बड़ी अच्छी बात है, तुम घर लौट रही हो, लेकिन इसलिए मत लौटना कि तुम इलेक्शंस में हार रही हो। तुम्हारी हार मेरी जीत नहीं हो सकती। मैं तुम्हें हारा देखना नहीं चाहता, न घर में न बाहर। जो भी करो यकीन और विश्वास के साथ करना। दोपहर तक हुई गिनती के आधार पर तीनों उम्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार है। श्री गुलशेर अहमद खान अब तक प्राप्त कुल वोट 1203, श्री चंद्रसेन 50,735, श्रीमती आरती देवी 55,940। इस तरह श्रीमती आरती देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5,205 वोटों से आगे हैं। लीजिए अभी प्राप्त समाचार के अनुसार श्रीमती आरती देवी जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 48,020 वोटों से आगे हैं, कहा जाता है कि उनकी जीत निश्चित है। जिंदा रहा तो अगले इलेक्शन में फिर आपकी सेवा करूंगी। नमस्ते। तुम्हारा जाना जरूरी है, मैं समझता हूं। जो काम शुरू किया है उसे पूरा कर लो। मैं हमेशा तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं, हमेशा। कल मनु आ रही है ना, और एक दिन रुक सकती तो मनु से मिलके जाती। मैं भेज दूंगा उसे। हॉस्टल लौटने से पहले कुछ दिन तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम खुद ही पहुंचा देना। कुछ तेज कदम रास्ते।